उसी असें भी 30-35 साल हो गए और 25-26 साल हो गए मी इलेक्शन जीते। त्रै बारी मैं MLA जीतिया, दो बारी मैंबर पार्लीमेंट जीतिया, 3 बारी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो भी तुसें सारे पता है। लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकया। अगर मिगी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट दिता, मैं दवाइयां दवाई सकया, लोगों को इलाज कराई सकया, कुछ बिल्डिंगा बनाई सकया, कुछ काम कर सकया। लेकिन जम्मू वास्ते आखो कि जो जम्मू की जो नुकसान किया गया उसदे च अस कुछ नहीं कर सकया एज ए कैबिनेट मिनिस्टर। और दूसरा नंबर, अगर मैं फॉरेस्ट मिनिस्टर रहा तो दो बार फॉरेस्ट मिनिस्टर रहा तो उत्थे तुसें सारे पता है 200 लाख बूटा लगाई सके, जू बन कम लगाई सके, जिहड़ा जू दा सारे पैसे सरेंडर होए, सारे पैसे वापस होए, मेरे पिछे जू दा कम सारा खत्म होया जू दा। इस करिए जो मैं कर सकया एज ए फॉरेस्ट मिनिस्टर वो किया, लेकिन जो जम्मू वास्ते करना हा वो नहीं हो सकया। कई बार लड़ाइया हुई, झगड़े होए, कुछ नहीं हो सकया। कैबिनेट भी दिखिया, कैबिनेट के अंदर भी दिखिया, जो सहयोग साढ़े लोगों का होना चाहिए बिल्कुल कैबिनेट के अंदर नहीं कभी रहा। आई एम सॉरी फॉर दैट। सिर्फ मसले ऐसे आते हैं जो जम्मू की कंट्राडिक्शन पैदा करते हैं सारी कैबिनेट के अंदर, और ऐसे क्वेश्चन पैदा होते हैं असेंबली के अंदर जिदे कहने जम्मू की जलील करने वास्ते हर बारी कोशिश की जाती है। आई एम सॉरी फॉर दैट। इस करिए मैं मेरे अंदर जो जख्म सारे को लोगों के जख्म, और लोग मेरे जम्मू के सारे जख्मी, चाहे इतों का बिजनेसमैन है, अज भी उए तराजू, अज भी उए गज, उए बजाजी, उए लोगों को वादा कुछ नहीं हो सकया। अज भी बिजनेस जम्मू का जो भी कोई बड़ा बिजनेस है जम्मू के कुछ आदमी को नहीं है, और जम्मू के बाहर के लोग फिर असें कोई 370 दसदा, कोई असें 35 दसदा। अस आखने जो असें चपड़ासी लाने से लाई दी है 370, जे चपड़ासी बनना हो, जे कोई कलर्क बनना हो, इन्हें गलों असर रहना है। और 70 साल तो सारी गल्ला सुनते आ रहे हैं, नथिंग, कुछ नहीं हो सकया, कुछ नहीं हो सकया। और अफसोस है जम्मू कने इन्ना जुल्म है, बितकरा है, इन्नी डिस्क्रिमिनेशन है, और हर पॉइंट पर है। मैं इस गल का विटनेस है और गवाह हाँ और नेता है। मैं लीडर इस गल से कि आई विल फाइट, वी विल फाइट, और मेरे सारा डोगरा स्वाभिमान संगठन तुम्हें सारे पता है इन्हें लोगों ही इन्हें मांग रखते यह CBI इंक्वायरी हो जाती है। हैं जम्मू के लोग CBI इंक्वायरी मंगन तो नहीं मिल सकती है। ये मंगे भाई दो कुड़ियां बेचारियां उत्थे 2009 च उंदे वास्ते महबूबा मुफ्ती और मंगन ते उमर दुल्ला भी देई उड़दा ते कांग्रेस वाली भैली सरकार भी देई उड़दी और हिंदुस्तान की कांग्रेस सरकार भी आर्डर करी उड़दी। त्रै पार्टियां किट्ठी हुई है उसले उन्हें CBI करवा ली कश्मीर की, और तिने पार्टियां किट्ठी हुई है CBI इंक्वायरी के खिलाफ चले खड़े खड़ोते तुझे सारे पता है। अस मंगे चन तारे ने जम्मू के लोगों मंगे नहीं। जम्मू के लोग अपनी हकीकत जी जमीन पर सारिया चीज़ा साढ़े अपने नेचर रिसोर्स साड़ी प्रकृति है, साढ़े अपना पानी है, साड़ी अपनी बिजली, साढ़े उस पानी कहने बिजली नहीं बनाई सके। इक्के दरिया पर 20,000 मेगावाट का पोटेंशियल, 60,000 मेगावाट पोटेंशियल है पूरे जम्मू सूबे, 27,000 स्केयर किलोमीटर जम्मू और 16,000 कश्मीर, 1,000 स्केयर किलोमीटर कश्मीर, 11,000 स्केयर किलोमीटर जम्मू ज़्यादा और बर्फ ज़्यादा जम्मू पौंदी। और जम्मू का डोडा डिस्ट्रिक्ट जो पुराना डिस्ट्रिक्ट जिसे 3 डिस्ट्रिक्ट बनाए उसी चनाब वैली बनाई दिता गया। आई वॉन्ट टू आस्क के दिता है, अज भी गोली चला रही है, बंदे मरन, इे होना के मिले जम्मू डोडा के लोगों की। मैं आखदा कि अगर इन्होंने लोगों जिन्हें तकसीम किया डोडा जिसी चनाब वैली बनाया, लेकिन चनाब वैली के अंदर जिसले भी कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनता है चनाब वैली का बंदा एक भी उसे शामिल होता है, कदम भी नहीं बिठाया। और पीर पंचाल की सेम पोजिशन, तुसे दो नाम बनाई उड़े, असं डिवाइड करने जम्मू की, जम्मू डिवाइड नहीं होगा। फॉर योर कंफर्मेशन, जम्मू च राइट होगा, चाहे इतों का मुस्लिम है, चाहे हिंदू है, सिख है, ईसाई है, वी विल वन, और असं इंदे कने लड़गे अपने जम्मू के अधिकारों वास्ते। मैं तुसें गला जिसले अज लैन लगी दी है फ्रॉम कश्मीर को लेइए तो अजापुर मंडी तक इन्ना तो मारो उतों के किसान का तुम सेब 50,000 ट्रक, 1,00,000 लख ट्रक सेब, तमिलनाडु की गड्डियां सेब ढोन आई हैं इतने, इन्ना सेब प्रोडक्ट होया। जम्मू च केड़ी गड्डी लगी दी है, केड़ी फसल है जम्मू के अंदर, आई वॉन्ट टू आस्क केड़ी फसल पैदा की है इन्ह लोगों कश्मीर के हुक्मरान है, केड़े चीफ मिनिस्टर ने हार्टीकल्चर अपने को जफा मारिए रखे दा सारा हार्टीकल्चर डिवेलप, बल्गेरियन सेब इन्हें महंगे पेड़ लिए कश्मीर के किसानों के, मैं खुश है
कि किसी भी कश्मीर के किसान मिले भी कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जम्मू के किसान कहने क्यों बेच इजाजती हुई उनके ट्रक क्यों नहीं खड़ोते। अच्छा डोडा के अंदर किन्ना सेब पैदा हो सकता, डोडा के अंदर अच्छ तुम देखे कि बागू गोशा पैदा हो सकता, डोडा के अंदर किन्नी नाशपाती पैदा हो सकती, डोडा के अंदर कि बालट पैदा हो सकता। यू सी दैट सेम पुंछ सेम बनी सेम साढ़े इलाके अंगराला गुलाबगढ़ छड़े उसे मिलिटेंट्स तैयार करने बनाए थे साढ़े इलाके हैं तबाह करने इलाके बनाए थे उन्हें इलाके बर्बाद करने रखे था। अगर उन्हें सिर्फ उन्हें साढ़े को जम्मू के हिंदू मुस्लिम की डिवाइड करने रखे था इलाके बनाए। मैं पूछना चाहना डोडा की गड्डिया कुछ सेव दियाँ कश्मीर की गड्डिया आई जम्मू की गड्डिया कुछ गई। आई वॉन्ट वास्ट दिस दिस इज माई क्वेश्चन। और मैं सवाल करना चाहना क्यों नहीं बल्गेरियन सेव इतने डोडा आया, क्यों नहीं पुंछ रजौरी आया, क्यों नहीं इस रियासी के उपर लाए सुजन सुजन तार वगैरह आया, क्यों नहीं गुंजाली आया, क्यों नहीं साढ़े अंदर किन्ना साड़ा जम्मू ऐसा पोटेंशियल है, इतना ग्रेट पोटेंशियल है जम्मू के अंदर। और आई एम सॉरी और जो रिचेस्ट इलाका है जम्मू का ऐसा इलाका है सर्दियों से भी ग्रीन है और गर्मी से भी ग्रीन है बरसात से भी ग्रीन है, कभी डेजर्ट नहीं बनया नेवर डेजर्ट और कभी डेजर्ट नहीं लगा, कभी सारे बूटे चढ़ी नहीं गए। साड़ा अंब एक बारी फलदा दो बारी फलने वाला लायक क्यों नहीं किया, तुम सेब का प्रोडक्शन बढ़ा ली नाशपाती की बढ़ा ली बगू गोशे बढ़ा ली, लेकिन वाई यू नॉट डिड दिस कि जम्मू के अंबे की नहीं बधाया और डोडा का सेब क्यों नहीं पैदा किया, पुंछ रजौरी का क्यों नहीं पैदा किया, साड़ियाँ गड्डिया किस गल दियां किन्ने दिन का साढ़े डोडे की बेकू बना दे उत्थे असेंगी विलेज राजमा विलेज बना रहे हैं क्यों नहीं बना, आपने मैंगो विलेज जम्मू का नाम दिया क्यों नहीं बना, राजमा घर बासमती कही क्यों नहीं हुई, लेकिन थोड़िया अपन सेब एप्पल विलेज बनी है वो तैयार हुई है, लेकिन जम्मू के अंदर कुछ भी फ्रूट का कुछ भी क्रॉप की प्रोडक्शन नहीं बधी और नहीं बनने दी। दिस इज अ क्वेश्चन। और मैं आखना चाहना इन्ना पोटेंशियल हो इन्ना पानी हो इन्नी जमीन हो इन्ने पहाड़ हो इन्नी बर्फ हो इन्ने जंगलात हो, यू मस्ट अंडरस्टैंड कि 1500 फॉरेस्ट जम्मू सूबा चन और 500 फॉरेस्ट कश्मीर सूबा चन। और मिगी दसो ये बड़े इंदे गुरु मारे गलांदे हे अन्नपोश तेली जेली बनपोश, जिथे जिथे बन होगन जंगल होगन उत्थे अन्न होग उत्थे फसल होग। मैं पूछना तुसें जंगलें की तबाही करी ओड़ी है आफ्टर 47 और जंगल सारे बर्बाद करी ओड़े तुसें और स्पेशली जम्मू के जंगलें की तो इं घुसपैठ कराई दी सारे जंगलें। आई एम सॉरी फॉर दैट, जंगल सारे जम्मू के लोगों ने और ग्रेजर जेड़े उन्हें मिले नहीं मिले लेकिन इनक्रोचर की माफिया की कमाल है तो बढ़िया उधर और बढ़िया तबाही करी ओड़ी। इस करिए मैं आखना चाहना जम्मू किन्नी मार खाग किन्नी खाग, शेख साहब ने प्लानिंग की थी 47 च LOC खड़ी की थी 24 सीटा ब्लॉक करिए रखी उत्थे जड़े लोग ने साढ़े मुजफ्फराबाद मीरपुर जड़े हवेली मंगला डैम के जो लोग जड़े उसी ब्लॉक किया 24 सीटा आपू सीटा डिकलेयर की बड़े तो मेजरमेंट मापदंड की है किस किड़े मापदंड कहने जम्मू की 37 सीटा किड़े मापदंड कहने तेरिया 46 सीटा कश्मीर दिया किड़े मापदंड कहने लद्दाख की 4 सीटा MLA दी। मैं पूछना चाहना क्यों वाई यू डिड दिस क्यों किया ऐसा, इसलिए कि कश्मीर ताज जिंदगी कश्मीर साढ़े सिरे पर सवार रहे और असि सवारी साड़ी सवारी करते रहन और असि अफसोस है हिंदुस्तान की सरकारें पर जिड़ी भी सरकार आई उन्हें जम्मू कने कोई गल नहीं की साढ़े पर पैर रखा और फैसले उत्थे किए। इस करिए कि असं हिंदुस्तानी हाँ और देश का झंडा चुकने और हिंदुस्तान जिंदाबाद रखने और हिंदुस्तानी खून च है मेरे और मेरे साथी के ब्लड खून च है हिंदुस्तान जिंदाबाद नोबडी कैन चेंज। इसे करिए असं अपना झंडा तिरंगा बनाया। बड़ी तकलीफ हुई कहीं की भी शेर बकरी भाई शेर बकरी जम्मू की पहचान है जम्मू का भाईचारा है जम्मू की यूनिटी है। अगर कुछ बड़ी दिल जल्द थोड़ा पंजा लगा धानी चुपा कुछ है घड़ी लगी धानी चुपी कुछ है जिसे जम्मू ने डोगरे कोई चीज रख ली बड़ी चुभदी तौबा क्या बात है इन्हें लोगों की। इस करिए मैं गलाना चाहना असेंगी हर जगह मार है। इस करिए चौधरी लाल सिंह गलांदा है पब्लिक सर्विस कमीशन मेरे बच्चे बेरोजगार खजलवा दे मेरे जम्मू के बच्चे और 250 नंबर रखी लिया तुसे
और रिटर्न पास तीन तीन चार चार बारी बच्चे करेंगे जम्मू दे और 250 नंबर जो 200 सी बार कटी उड़ गए अपने बच्चे की 240 नंबर और जम्मू दे बच्चे की 40 नंबर चाहे वो हिंदू है मुस्लिम है सिख है ईसाई है बौद्ध पारसी है उन्हें सारे इस कितने की डिवाइड कर दिया वही और रेड इस करिए असं गलाया डोगरा स्वाभिमान संगठन ये आखदा है कि दो पब्लिक सर्विस कमीशन बनाओ इहदे आस्ते नहीं कोई इहदे आस्ते ते कोई उग्रवादी तो क्वेश्चन तो नहीं बनता इहदे आस्ते कोई आतंकवाद नहीं जाता इहदे आस्ते भाईचारा बनता इंसाफ है जम्मू की नौकरियां जम्मू के बच्चे ही मिलनी चाहिए कश्मीर की नौकरियां कश्मीर के बच्चे ही मिलनी चाहिए देर इज नो कन्फ्यूजन नो कंट्रोडिक्शन असें कोई नहीं है और जिन्हें क्रिएट की दी है कि खुला काम रखे दा जम्मू के बच्चे दी नौकरियां भी खाई जाओ है असें की दो अस आखने दो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड दो पब्लिक सर्विस कमीशन और अस गलाने जड़ियां सीटां जेड़े लोग साढ़े रिफ्यूजी लोग 47 तो इतों आए दिन वो जो लोग इतने आए थे जिंदियां 24 सीटां तुसें ब्लॉक कीती दियां उंदियां 24 सीटें या 6 सीटें लोग इतने इसलिए उनकी पापुलेशन 13 लाख है इसलिए बनी जाते हैं 8 सीटा लेकिन जिसलिए दी 24 सीटा उसलिए दी उनकी 6 सीटा बननी हैं और 6 सीट्स उन्हें लोग उन्हें ही लोगों की मिलनी चाहिए और 6 सीटा इन्हें मिलनी चाहिए और दो कश्मीरी पंडित इतने आइए बैठे सारे पूरी पूरा पूरी लाल अक्षर कहने बिठाया गया बड़ा इंतजाम किया लेकिन दिता गया पोलिटिकली जेड़े उनके क्वार्टर ही कांट सेल जिया रिफ्यूजी लोग अपनी जमीन का एल फार्म लेइए दे आर नॉट ओनर दे आर नॉट रियल ओनर दे कांट सेल उस जमीन बेच ही नहीं सकते बेचेंगे तो जमीन सरकारी हो जाग कल कुछ की किडनियाँ खराब होंगे कैंसर हो जाता बच्चा पढ़ना है बच्चे ने बाहर जाना है बच्चे से कोई जरूरत है कुड़ी की शादी है कोई घर बुजुर्ग बीमार है क्या जमीन प्रॉपर्टियां कह रहे से होंगे सेल करते लोग बेचते नहीं लोग लेकिन रिफ्यूजी लोग साढ़े इतों के लोग 47 के लोग एल फार्म वाले लोग दे कंट से बेच नहीं सकते सेम कश्मीरी पंडित की क्वार्टर देते क्वार्टर तेरा है पर तू बेच नहीं सकता जमीन तेरी है यू कांट सेल तो वह किस गल का मालिक बनया इस करिए मैं गला दा कि उदियां 6 सीट्स बनदियां 24 चा और 6 सीट्स किसी मिली जान और 2 सीटा कश्मीरी पंडित दी बनदियां उन्हें दी जिथे प्यारे लाल हंडू जैसे लोग रेन किन्ने चिर मिनिस्टर रेन और कश्मीरी पंडित का भी भला हों रहा और बाकी लोगों ने भी इंसाफ हों रहा अजो कश्मीरी पंडित जोड़ा कश्मीर का रिचेस्ट कल्चर हा कड़ी बाहर रखिया या कि वह चौबाल कर देन ये कि पॉलिसी है आएंगे हम उनको लाएंगे ले जाएंगे कोई उनको नहीं लेगा जब लेंगे तो उनकी 2 सीटें भी ले जाना लेकिन जब तक वो यहाँ हैं उनकी 2 सीट्स यहाँ दी जाएँ इसी तरीके से जड़े लोग मुजफ्फराबाद मीरपुर के लोग आए थे उन्हें 6 सीट्स ने उन्हें भी उसे दी जा बाकी डिलिमिटेशन का यही गल आखी नहीं डिलिमिटेशन के बगैर 37 से 6 43 तो 2 45 और एक सीट ये जो सुंजवान मठिंडी च कश्मीर के मुसलमान इनसिक्योर होइए डरीए और दहशत करने इतों अपना काम कारोबार छोड़िए इतने सैटल हो जम्मू च ये जम्मू का बढ़िया इलाका ना जेड़ा मोस्ट वेलकम है करने असं सारे खून च अस इज्जत करने सारे की ये जल्द स्पीचा करते असेंबली च तो बड़े बोलते तकरीर हम जब सुबह उठते हैं तो हमें मंदिर की घंटी सुनती है और उसके बाद अजान होती है उसके बाद गुरुद्वारा की गुरबानी होती है उसके बाद हमारे पारसी उनकी गिरजा की घंटी बजती है कितना अच्छा जम्मू है कितना सेकुलर है कितना बढ़िया है तो इक्के दिन च तुसें बनाई ओड़ेआ कि जम्मू के लोग कामनल उस केस च सारे रेपिस्ट और प्रो क्रिमिनल बनाई ओड़े सारे बनाई ओड़े इक्को दिन च तुसें तुहाड़े कोल लाइसेंस भी देना तुसें पहले बनाई लेना फिर उसे खत्म भी कर देना क्या बात है वी हैव नो नीड ऑफ एनी लाइसेंस ऑफ एनी पर्सन नोबडी कैन गिव अस ए लाइसेंस वी पीपल हैव ओन ए लाइसेंस जम्मू के डोगरे ने अपने लाइसेंस जम्मू के लोग अच्छे जानते हैं शराफत है रिस्पैक्ट करने हैं इज्जत करने हैं उसका मतलब मजबूर नहीं है उसका मतलब असी कमजोर नहीं है उसका मतलब अस कुसै दे गुलाम नहीं है इस करिए जम्मू अपने सारे मसले वास्ते लड़ने तैयार है अस अपने जिनी सारी प्रकृति नेचर रिसोर्स जिन्नी सारिया माइंस मिनरल सारे माइन मिनरल जम्मू च इस्तेमाल होने चाहिए जम्मू वास्ते इस्तेमाल होने चाहिए और ये जी बिजली बनती है इतने सारी और सारी बिजली जी इतने बने और बनाई साड़ा सिविल इंजीनियर बेला साड़ा इलेक्ट्रिक इंजीनियर बेला साड़ा मकैनिकल इंजीनियर बेला
ਸਾਡਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮੇਲਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲੀ ਸਕਿੱਲਡ ਲੋਕ ਨੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਆਰ ਆਲ ਅਨਇੰਪਲੋਇਡ ਔਰ ਈਵਨ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕੀਤੀ ਦੀ ਜੇਈ ਸਪੇਅਰ ਹਨ ਸਾਰੇ ਵਿਹਲੇ ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹਨਾਂ ਆਈ ਟੀ ਆਈ ਕੀਤੀ ਸਾਰੇ ਵਿਹਲੇ ਕਿਉਂ ਵਿਹਲੇ ਔਰ ਜਾਈਏ ਬੈਂਗਲੌਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨਗੇ ਅੱਠ ਅੱਠ ਨੌ ਨੌ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨਗੇ ਇਹਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਥੇ ਆਈਏ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨੌ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ ਫੋਰ ਦੈਟ ਇਸ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਿਆ ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਿਆ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਿਲ ਫਾਈਟ ਅਸ ਗਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੇ ਡੈਮ ਬਣ ਔਰ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣੇ ਅਸੀਂ ਡੋਗਰਾ ਸਵਾਭਿਮਾਨ ਸੰਗਠਨ ਵਿਲ ਫਾਈਟ ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਪਹਿਲੇ ਜੰਮੂ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੀ ਜਾਏਗੀ ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਜੰਮੂ 'ਚ ਆਏਗਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਸਿੱਧਾ ਕਿੱਟੀ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਸੈਂਟ ਕਿੱਟੀ ਸਾਡੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਾਈਨ ਮਿਨਰਲ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਰਾਇਲਟੀ ਇੱਕ ਕਿੱਟੀ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਫਾਈਨਾਂਸ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਅਤੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆਏ ਅਸ ਆਖਣੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਿਆ ਪਰ ਸਾਡੀ ਤਵੀ ਦੇ ਰੇਤ ਬਜਰੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਤਵੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਪਰ ਤਵੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਰ ਖਰਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇੱਥੇ ਖਰਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰਾਵੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਰ ਖਰਚ ਹੋਣਾ ਉੱਚ ਦਾ ਪੈਸਾ ਚਨਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਇਹਦੇ ਬੈਂਕ ਪਰ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰੁੜਾ ਦੀ ਹੈ ਚਲਾ ਦੀ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋਆ ਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆ ਬੜੇ ਚੌੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਦਿਨ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਰੀਏ ਸਾਰੇ ਮਾਈਨ ਮਿਨਰਲ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਜੰਮੂ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ ਔਰ ਇਸ ਕਰੀਏ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋਈ ਅੱਜ ਮਿਗੀ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 280 ਦਿਨ ਹੋਈ ਗਏ ਕਿਹੜੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ 40-40 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋੜਦੇ ਹੋ ਦਫ਼ਤਰ ਫੂਕਦੇ ਹੋ ਡੀ ਸੀ ਆਫਿਸ ਫੂਕਦੇ ਹੋ ਅੱਗਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਵਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਇੱਥੇ ਔਰ ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 1,000, 2,000, 500, 400 ਇੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਚ ਫਿਰਾ ਦੇ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਵਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਾਸਾ ਹੀ ਖੁਰਕ ਹੋਈ ਆ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਜੰਮੂ ਕਿੱਠਾ ਹੋਈ ਆ ਮੈਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਮੇਰੀ ਆਸਮਾ ਬੱਚੀ ਦਾ ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਲਾਣਾ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਕੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਮੂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਦੇਵੀ ਆਖਣੇ ਆ ਅਸ ਉਹਨੇ ਪੈਰ ਛੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਬੰਨਣੇ ਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਲਾਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਬੰਨਦੇ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਕੋਲ ਪੈਰ ਬੰਨਦੇ ਨੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਸਟ ਸਟੇਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਸਟ ਜੰਮੂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਡੋਗਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸ਼ਨੋ ਮਾਤਾ ਸਾੜੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਢਾਵੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਨੇ ਸਿਰਫ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਮਿਲੇ ਔਰ ਦੂਆ ਨੰਬਰ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੇ ਆ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਦੇ ਦੂਏ ਗ੍ਰਾਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਸੁਨੇਹਾ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗ੍ਰਾਂ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੋਝ ਦੀਆਂ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਪੁੱਛੀਏ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਇਹ ਕੁੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿਹੜੀ ਜਾਤ ਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿਹੜੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਬੋਝ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਦਿਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਗਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕਰੈਕਟਰ ਜੰਮੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਔਰ ਜੰਮੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ ਸਾਡੀ ਉਹ ਦੇਵੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇਵੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਫਲਿਆ ਫੁਲਿਆ ਜੰਮੂ ਵਧਾ ਦਾ ਜੰਮੂ ਸਟਰਗ ਕਿੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜੰਮੂ ਸਾਰਾ ਕਿੱਠਾ ਮੈਂ ਜੰਮੂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਹਿਵਾਨ ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ਇਹ ਡੋਗਰਾ ਸਵਾਭਿਮਾਨ ਸੰਗਠਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਸ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਇਸ ਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣੀ ਔਰ ਲਿਸਟ ਦੇਈਓ ਸਾਰੇ ਛਾਪੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਸਾਰੇ ਦੀ ਛਾਪੀ ਲਿਓ ਸਾਰੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਸਾਰਾ ਹੀ ਛਾਪੋ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਡੋਗਰੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿਆਣੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਬਈ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੁਆਰੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਇਸ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਬੋਹੀ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖੀ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ 'ਚ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਕਰੀਏ ਵੀ ਆਰ ਵਨ ਆਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਕੇ ਔਰ ਆਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਪੜ੍ਹੀ ਦੇਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਰਾਈਟ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਕੀਤੇ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਬਣਾਏ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸੈਂਟਰ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਕੰਨੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਡੋਗਰਾ ਸਵਾਭਿਮਾਨ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਫਰੰਟਲ ਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਸੈੱਲ ਬਣਾਏ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਂਡ ਯੂਥ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਏ
और एक्स सर्विसमैन संगठन बनाया, आर्ट एंड कल्चर संगठन बनाया, स्पोर्ट्स संगठन बनाया, लीगल बनाया, किसान बनाया, बॉर्डर एरिया संगठन बनाया। असें एससी और एससी संगठन नहीं बनाए, असें ओबीसी संगठन नहीं बनाए, अस डोगरे हैं सारे, अस कुछ कौम कने डिवाइड नहीं करना चाहते। वी ऑल आर वन। ये पार्टियां तकसीम कर दियां साढ़े शुरू कास्टिंग ही जानिए शुरू कास्ट आखने की कोशिश कर दिया। नो, वो साढ़े प्राण अस उनके भरा हैं, अस सारे एक डोगरे हैं। अस अज तो कोई भी कौम के इदार पर कास्ट के इदार पर साढ़ा डोगरा संगठन कभी भी इस किस्म की इस करिए मैं गलाना चाहना, अस कदे भी कुसे भी जात बरादरी पर, कुसे भी मजहब पर, कुसे भी कौम पर, कुसे भी कास्ट पर, वी नेवर डिवाइड, वी आर वन, वी आर डोगरा। साड़ा डोगरा सर्टिफिकेट इन्हें खोई लिया, फिर कश्मीरियों तोड़ा दे बंदा ही नहीं, जम्मू दे सारे मुसलमानों का बंदा, जम्मू दे सारे सरदारे का बंदा, जम्मू दे सारे ईसाइयों का बंदा, जम्मू दे हर कौम का बंदा। डोगरा सर्टिफिकेट सिर्फ कश्मीरी नहीं बनता, उसने लड़ते नहीं है, बिफोर 47 इंडिया कोई इन्हें आर्मी जगह लड़ते नहीं, ये जंगे जाते नहीं। तो इंदा अंग्रेजें कोई जल्द कोई कौम दिखी बहादुर पंजाब च और इधर दिखी हिमाचल च और जम्मू च दिखी, उदे पर एक सर्टिफिकेट बनया, जोड़ा सर्टिफिकेट अज हिमाचल के लोगों ही मिलता, जोड़ा डोगरा सर्टिफिकेट पंजाब च पठानकोट मिलता और गुरदासपुर मिलता और होशियारपुर मिलता, और जम्मू का डोगरा सर्टिफिकेट खत्म कौन किया? नैशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की मिली जुली सरकार ने किया, खत्म किया है। और आयो वोट लैने की देगे हम दोनों सारे की बढ़िया करिए। और एक गल और तुसें आखना चाहना, अस ये आर्गनाइजेशन डिकलेयर करते करते असें भी तुसें गलाना चाहते हैं डिस्ट्रिक्ट दियां भी अज असी कोई 11 कोई 4-5 डिस्ट्रिक्ट 5 डिस्ट्रिक्ट डिकलेयर वो भी कराने हैं। ये करने लिस्ट लगी दी है तुसें सारे की कापी दे देने, क्योंकि फिर ना पड़का तुसें दुखी ही ना। लेकिन ये मैं तुसें सारे रिक्वेस्ट करंग, मेरी सारे की बेनती है, सारे की रिक्वेस्ट है कि सारे लोग सहयोग च रहन, ख्याल रखन, रिस्पैक्ट एक दूए की अस सारे करचै, जम्मू के अस रली मिलिए सारे डिवेलप करचै, और जम्मू के अधिकारियों से सारे लोग किट्ठे होचै, और बगैर सियासत के बगैर पॉलिटिक्स के अस सारे लोग जय डुग्गर और जय डोगरा के नारे कने किट्ठे होचै। जय डुग्गर का मतलब है आल कास्टेज इं इं सुनो इं सारियां ये बनिया जय डुग्गर, तो फिर बनिया जय डोगरा, इं करके तो अस खिल रही है, इं बने यूनाइट होए, हथियार भी है, हथियार भी है जालमें के खिलाफ, जल्द बंद को रब ने हथियार दिता भी दिता हा। इस करिए जम्मू के सारे लोग अपने हथियार लेइए कड़ा ले, हमेशा तैयार हो, हमेशा इज्जत मान रखन, अपने तरीके ने चलन। और मैं ये जी आर्गनाइजेशन असं खड़ी की ये आर्गनाइजेशन तुम सारे की कागज देई होने, मैं अपने जनरल सैकटरी आखन कि यह सारे ना पढ़ी हो तो सुन लो। मैं पहले एक सीट असें क्वेश्चन करना है, करो देखो सर, हमने कहा कि हमने कहा ले, पहले सुन लो, हमने कहा कि जम्मू कश्मीर एक रहे, कश्मीर के साथ अगर रहना है, हमारे साथ कश्मीर में रहना है तो रेसिप्रोकल रहे, डिस्क्रिमिनेशन के साथ नहीं। अगर ये चीजें उनको दो पॉलिस सर कमीशन नहीं चाहते छोड़े हमें, हम कह रहे हैं कि अगर रहना किट्ठे तो रेसिप्रोकल रहना है और यूनाइटेड रहना है, ट्रुथ पे रहना, ईमानदारी से रहना, ना कि डिस्क्रिमिनेशन के साथ, अदरवाइज नहीं होगा तो फिर चारा क्या, उसके आगे फिर देखेंगे, पहले ये चीजें देखते हैं इसमें होता क्या। आज आपने डोगरा संगठन संगठन शुरू किया है, क्या आज से जम्मू कश्मीर में आप एक रीजनल पार्टी की तरफ हम बढ़ रहे हैं? देखिए, आज से हमने नॉन पार्टी इलेक्शन समय हमारे जम्मू में हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर में वो हम सारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वी आर ऑल पार्टिसिपेटिंग सरपंच हमारे सारे सरपंच, आप गिनती कर लेना सारी पार्टियों से ज्यादा सरपंच हमारे होंगे डोगरा स्वाभिमान के। अभी भी यहाँ कारपोरेट काउंसिलर कारपोरेटर भी बैठे मेरे साथ, नीचे भी बैठे ऊपर भी बैठे हैं फॉर योर कन्फर्मेशन। और हमने वो इलेक्शन नहीं लड़ा ना हमने किसी की सपोर्ट की, अदरवाइज दिखाते ये तो कोई भी सारे हम हटा देते, क्यों हम नॉन पोलिटिकल थे इसलिए हमने वो नहीं किया। आज भी हम कह रहे हैं इससे जो हमारे इश्यूज हैं, इन इश्यूज पे अगर ये लोग नहीं ध्यान देंगे तो डोगरा क्या अपनी लाइन अख्तियार करेगा,
वी आर वर्किंग और वी विल डू दैट। लाल सिंह जी, आखिरी सवाल मेरा, आज क्या आपने बीजेपी को टाटा बाय बाय कर दिया कि नहीं? देखिए मेरी बात सुनो, सवाल है कि ये चीजों की तरफ अगर किसी का ध्यान नहीं है तो ये ध्यान नहीं है, जहां ध्यान है तो करें। ये समय हमारे लोग दे रहे हैं, ये समय होता है। मेरी मां कहती थी कि एक दिन में दीवार नहीं लगा लेनी, कच्चियां लगती थी पहले, कभी आज थोड़ी थोड़ी पकड़ दियो ना ना सीमेंट वाली नहीं, गारे वाली की बात कर रहे थे, राइट। पहले लगानी थोपा लगाना, पहले एक बारी, फिर दूसरे दिन आठन देना, फिर दूसरी बारी थोपे लगा रहे हैं। मैं जिस दिन थोपा हो, हर थोपा लगा था टाइम पे, नहीं दिस इज वेरी क्लियर। देखो दिस इज वेरी क्लियर, जो हमने हम तो सीधी बात कहेंगे, योर रेपिस्ट है, ही मस्ट बी पनिश, उसको बड़ी से बड़ी सजा चौक में खड़ा करके कुत्तों से खिलाना चाहिए ऐसे लोगों को जो लोग इस किस्म की हरकत करें। हमें इज्जत, बच्चियों की इज्जत, बहनों की इज्जत सबसे प्रायोरिटी हमारी, इज अ प्रायोरिटी फॉर जम्मू पीपल, और हम इस बात के लिए कभी बर्दाश्त नहीं करने वाले लोग। और जो तालिब क्या है, तालिब को बचाने वाले क्या हैं, क्या कहाँ रहे, वेयर इज द चीफ मिनिस्टर, जिस दिन SR-43 के तहत आगे कहाँ चलेगा, वेयर दे आर, कहाँ रहे, कैब हो जाएंगे सारे। इस तरीके से नहीं चलता कि आप लोग इन लोगों की मदद करोगे, साजिशें करवाओगे और जम्मू को डिविजन करने की कोशिश करोगे, ये नहीं हो पाएगा, कोई नहीं कर सकेगा। अगर ये लोग इतने सगे होते हैं भैया मुसलमानों के, तो 24 में से 18 सीट मुसलमान लोगों की थी जो उन्होंने LOC में बाहर फेंक दी, क्यों नहीं कर रखी? अगर इतने सगे होते तो सेब डोडा के लोगों के भी बराबर पैदा होते और जो पुंछ वालों के भी बराबर पैदा होते, क्यों नहीं पैदा हुए? क्योंकि ये जम्मू के लोग हैं, ये पहाड़ी लोग हैं, ये डोगरे लोग हैं, ये पुंछी लोग हैं, ये मीरपुरी लोग हैं, आला डोगरा, इनको कौन बर्दाश्त करेगा भैया? हमारा बड़ा क्लियर 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 विजन है, रोंगिया हो, कोई भी यहाँ आके खराबी करे वो नहीं रहने चाहिए। हमारी आज सरकार बनेगी, हमारी डोगरा स्वाभिमान की बन जाए, आज बन जाए, शाम को कान से पकड़े बाहर निकाल दो सारे, वो तुसी बना दे नहीं।